एमएस एक्सेल 2010 में हम नेक्स्ट इंसर्ट मेन्यू में कमांड्स देखेंगे, पाइवट टेबल। हमने इसके लिए एक प्रैक्टिकल यहाँ पर बनाया है। जैसे हमने एक लिस्ट यहाँ पर तैयार की है, नेम, एड्रेस, फोन, पोस्ट एंड सैलरी। हमने एक डाटा यहाँ पर बनाया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद पाइवट टेबल पर हम क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ लेंगे, टेबल वाला। इसके बाद हम यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा क्रिएट प्राइवेट टेबल के नाम से, इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें यहाँ पर प्राइवेट टेबल फील्ड लिस्ट दिखाई देगी। इसमें से हम चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट, इसमें नेम को चूज करेंगे, एड्रेस, फोन, पोस्ट एंड सैलरी। तो हमारी यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर डाटा आ रहा है, अब यहाँ पर रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल्स, वैल्यूज। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज नेम और उनके एड्रेस और उनकी सिटी, ये नाम आपको यहाँ पर रो टेबल में दिखाई दे रही है। सम ऑफ फोन नंबर एंड सैलरी, इनको भी हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ फोन पे एरो पे क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे टू रो लेवल पे। मूव टू रो लेवल पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से हम सैलरी वाले को लेंगे और यहाँ पर मूव टू रो लेवल पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी टेबल इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगी। ये तो हमने प्राइवेट टेबल तैयार की। अब हम जैसे इसको ग्राफ में तैयार करना चाहते हैं, चार्ट में, तो हम यहाँ पर इसको चार्ट में लेंगे। इसको नॉर्मल कर देंगे कंट्रोल जेड प्रेस करके। वापस से हम हमारे डाटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, प्राइवेट टेबल, सेकंड ऑप्शन लेंगे प्राइवेट चार्ट। इसमें हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। नेम, एड्रेस, फोन, पोस्ट और सैलरी, इनको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारी यहाँ पर वापस से एक टेबल तैयार आपको दिखाई देगी और सामने एक आपको ग्राफ दिखाई देगा इस पर बनाया हुआ। इसी तरह से हम इन पर कॉलम ग्राफ है, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, जो भी आप ऐड करना चाहो वो ग्राफ आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफ के स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ग्राफ स्टाइल में से डिजाइन है, आप यहाँ से इसके लेआउट चेंज कर सकते हो। इस तरह से हम प्राइवेट टेबल दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे इसमें इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स। इस डाटा को हम कंट्रोल जेड प्रेस करके नॉर्मल कर देंगे। टेबल जैसे हमने कुछ बनाया हुआ हो टेबल के अंदर, तो हम यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे हमने फाइल ओपन करी, ओपन करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करके टेबल पे जाएंगे, ओके करेंगे। एक टेबल यहाँ पर इंक्लूड आपको दिखाई देगी। इस तरह से हम यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसको हमें नॉर्मल करना है, तो हम कंट्रोल जेड प्रेस करके वापस से नॉर्मल कर देंगे। पिक्चर्स, हम यहाँ पर पिक्चर्स का भी यूज कर सकते हैं। पिक्चर कमांड्स पे क्लिक करेंगे, हमें जो भी पिक्चर्स चाहिए हमारी लोकेशंस में से हम पिक्चर्स को चूज करेंगे। जैसे सैंपल पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, जो भी पिक्चर्स हमें लेनी है वो सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट, हम पिक्चर्स को यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद पिक्चर्स के ऊपर टॉप में आपको प्रॉपर्टी दिखाई देगी, हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जैसे हम
करेक्शंस में जाएंगे, शार्पन एंड शॉर्पन का हम यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट हम यहाँ पर दे सकते हैं जितना हमें चाहिए, कलर हम पिक्चर्स के कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आर्टिस्ट इफेक्ट्स हम आर्टिस्ट इफेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चेंज पिक्चर्स, हमें इसकी जगह कोई और पिक्चर्स लेनी है तो हम यहाँ से पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। रिसेट पिक्चर, जैसे हमने जो भी इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई किए हम इसको वापस नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ से रिसेट पे क्लिक करेंगे, आर्टिस्ट इफेक्ट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे पिक्चर स्टाइल, जैसे हम पिक्चर्स पे कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से जो भी हमें अच्छी लगे वो स्टाइल हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। पिक्चर्स बॉर्डर, हम बॉर्डर का कलर जो भी देना चाहें यहाँ से हम बॉर्डर्स कलर देंगे। यहाँ से हम बॉर्डर्स की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, हम डैश वाली बॉर्डर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स, हम यहाँ पर पिक्चर्स पे कुछ इफेक्ट अप्लाई करना सीखेंगे, जैसे प्रीसेट है, प्रीसेट में जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। शेडोज, रिफ्लेक्शंस, जो भी रिफ्लेक्शन हमें अच्छे लगे वहां से अप्लाई करेंगे। बेवल ग्लो, ग्लो इफेक्ट भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेवल इफेक्ट, इस तरह से हम पिक्चर पे कई तरह के इफेक्ट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर लेआउट्स, हम पिक्चर को किसी भी लेआउट में, किसी भी डिजाइन्स में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट भी हम टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर पिक्चर, इसके कलर चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसकी। इसके बाद हम लेंगे इसमें, अब हम इसकी बॉर्डर पे क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे और एक पिक्चर से यहां से अलग से लेंगे। पिक्चर लेने के बाद इसको स्मॉल कर देंगे, हम यहाँ पर तीन पिक्चर्स लेंगे, जैसे हमने एक फर्स्ट पिक्चर ली, हम इसके अलावा और भी पिक्चर्स यहाँ पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें इंसर्ट पिक्चर में जाना है, सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर तीन पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे। आप जैसे सबसे लास्ट पिक्चर को हमको सबसे फर्स्ट में लेना है तो लास्ट वाली पिक्चर पे क्लिक करके हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, इसी तरह से हमें वापस इसको सबसे लास्ट में लेना है तो सबसे बैक में लेने के लिए हम यहाँ पे लेंगे सेंड टू बैक। जैसे इस पिक्चर को हमको इन दोनों आगे वाली पिक्चर्स के बीच में लेना है तो हम यहाँ लेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड और सबसे फर्स्ट वाली को लास्ट दोनों पिक्चर्स के बीच में लेना है तो हम करेंगे यहाँ पर सेंड बैकवर्ड। इसी तरह से हम इन तीनों पिक्चर्स का यहाँ पर ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम तीनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, एक पिक्चर पे क्लिक करने के बाद दूसरी को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे, ऐसे ही तीसरी को सेलेक्ट करेंगे, फिर
फिर हम यहाँ पर ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ग्रुप बना देंगे, तो ये सारी पिक्चर्स एक ग्रुप में क्रिएट हो जाएंगी, इनका एक ग्रुप बन जाएगा। अगर हम इनको वापस नॉर्मल करेंगे तो इनको अनग्रुप कर देंगे, ग्रुप में जाएंगे अनग्रुप, तो वापस ये सेपरेट पिक्चर्स हो जाएंगी। अलाइन, जैसे हमें तीन पिक्चर्स का अलाइन बराबर करना है, जैसे हमें हमको इनका लेफ्ट राइट अलाइन बराबर करना है, तो हम इसको विद शिफ्ट वापस तीनों को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करेंगे, सेकंड को भी सेलेक्ट करेंगे और थर्ड को भी। फिर हम यहाँ लेंगे अलाइन, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल, अलाइन बॉटम। ये इफेक्ट देके हम कंट्रोल जेड प्रेस करके इनको एंड टू एंड नॉर्मल करते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे रोटेट, जैसे हमें पिक्चर्स को रोटेट करना हो तो यहाँ रोटेट राइट 90 डिग्री पे कर सकते हैं, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से हम इनको रोटेशन यहाँ पर कर सकते हैं। पिक्चर्स को हमें क्रॉप करना हो, जैसे हम एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और उसको क्रॉप करके हमें कितना कितना लेना है, तो हम क्रॉप पे क्लिक करके, जैसे हमें ओनली एक फूल ये सेलेक्ट करना है बीच का, तो उतनी पिक्चर हम यहाँ से क्रॉप कर देंगे। देन एंटर प्रेस करेंगे, तो जितनी पिक्चर्स हमने क्रॉप की थी उतनी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। पिक्चर की हाइट विड्थ बढ़ानी हो तो हम यहाँ से इसकी हाइट एंड विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम पिक्चर्स पर ये सारे कमांड्स यहाँ पर यूज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इंसर्ट मेन्यू में लेंगे क्लिप आर्ट्स, क्लिप आर्ट्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करने के बाद आपको कई तरह के क्लिप आर्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको जो भी क्लिप आर्ट लेना है उस पर आप माउस के लेफ्ट क्लिक से यूज करेंगे और इस पिक्चर्स को हम इन पॉइंट्स से यहाँ पर बड़ा भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी पिक्चर्स यहाँ पर क्लिप आर्ट द्वारा ले सकते हैं। जैसे हमने पिक्चर्स पे उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा था, इसी तरह से हम क्लिप आर्ट पर भी यही सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऊपर टॉप में फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रही है, हमने आपको ये पहले ही सिखा दिया है। इनको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे शेप्स, हम आपको ये नेक्स्ट अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।